26 न्यूज के साथ मैं हूँ नायला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। सियासी जमात अल पाकिस्तान मुस्लिम लीग APML डीलिस्ट कर दी गई, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को डीलिस्ट करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि अल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कोई पार्टी अहदेदार नहीं, जमात का अब कोई वजूद नहीं। APML 4 साल से पार्टी असासों की तफसीलात भी जमा नहीं करवा सकी। अल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को डीलिस्ट किया जाता है। दूसरी जानिब अल पाकिस्तान मुस्लिम लीग APML ने पार्टी रजिस्ट्रेशन की मंसूखी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। खास में APML ने अदालत उज़्मा से सदा की है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला काला दम करार देकर पार्टी की रजिस्ट्रेशन बहाल करने का हुक्म दिया जाए। साइफर केस में कैच में PTI की जेल में अचानक तबीयत नासाज हो गई, जिस पर डॉक्टर्स की टीम ने बैरक में उनका चेकअप करके अद्वियात फराम की। जाल जराय के मुताबिक PTI चेयरमैन को रात गए मैदे में दर्द की तकलीफ महसूस हुई, जिस पर डॉक्टर्स की टीम ने बैरक में PTI चेयरमैन का चेकअप किया। इस दौरान जेल इंतजामिया भी मौजूद थी। जाल जराय ने मजीद बताया कि डॉक्टर्स की जानिब से PTI चेयरमैन को अद्वियात भी फराम की गई। गजा पर इसराइल की मुसलसल जारियत जारी है, जिसमें इसराइली बमबारी से टेलीफोन और इंटरनेट समेत मुआसलाती निज़ाम मुकम्मल तबाह हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फलस्तीन की टेली कम्युनिकेशन एजेंसी की जानिब से बताया गया है कि गजा की पट्टी में आज इंटरनेट समेत तमाम मुआसलाती निज़ाम मुनक़ता कर दिया गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग की वेबसाइट एक्स पर फलस्तीन की टेली कम्युनिकेशन कंपनी पाल्टल ने कहा है कि मेरे वतन के प्यारे लोगों, आज हम दुख के साथ ये ऐलान करते हैं कि मुआसलात समेत इंटरनेट सर्विस गजा पट्टी में मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है। दूसरी जानिब गजा में इसराइली जारियत का सिलसिला 26वें रोज भी जारी है और फिजाई बमबारी के साथ साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में शहदा की मजमू तादाद 8,500 से ज्यादा होगी और 23,000 से जायद जख्मी हैं। शहीद अफराद में 3,542 बच्चे और 2,187 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि 2,000 अफराद अब भी तबाह शुदा अमारात के मलबे तले दबे हुए हैं, जिनमें 1,100 बच्चे भी शामिल हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज़।